डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुछ दिनों में आपके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। एग्ज़ाम्स आए नहीं और आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। एग्ज़ाम के सीज़न में ज़्यादातर लोग अपनी पढ़ाई और परीक्षा की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना शुरू कर देते हैं। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने जा रही हूँ जिससे आप अपना जो स्ट्रेस लेवल है उसको आप कम कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इन स्टेप्स को फॉलो करके अपना स्ट्रेस लेवल कम करने की कोशिश कीजिए ताकि आपका जो पूरा का पूरा ध्यान है वो अपनी पढ़ाई की तरफ हो सके। जो पहली चीज़ हम कर सकते हैं वो है कि हम सब जो हैं फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करें जब हमारे एग्ज़ाम शुरू हो जाते हैं। आपकी इन्वॉल्वमेंट फिजिकल एक्टिविटी में ड्यूरिंग द एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब फिज़िकल एक्टिविटी का क्या मतलब है? फिज़िकल एक्टिविटी का मतलब ये नहीं है कि आप अपने मोबाइल पे गेम खेल रहे हैं, वो आपके लिए एक फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है। फिज़िकल एक्टिविटी का मतलब है कि आप रनिंग कीजिए, जॉगिंग कीजिए, साइकिलिंग कीजिए या जो भी आपको कोई और जो गेम है वो पसंद है उस गेम में आप अपना थोड़ा सा जो टाइम है ज़रूर स्पेंड कीजिए ताकि जो आपकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ है वो बनी रहे। दूसरी जो टिप मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो ये है कि जब आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाते हैं तो आप अपनी जो नींद है उसे पूरा नहीं करते। 8 घंटे की नींद आपके लिए एग्ज़ाम्स में भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप सारी सारी रात बैठकर पढ़ते हैं तो आपका जो स्ट्रेस लेवल है नींद ना पूरी होने की वजह से बढ़ जाता है। तो मैं आपसे सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ अपनी नींद जो है उसे ज़रूर पूरा कीजिए ताकि आपका स्ट्रेस लेवल उससे क्या हो जाए, कम हो जाए। तीसरा ट्रिक जो है वो ये है कि आप अपने मसल्स को जितना ज़्यादा रिलैक्स कर सकते हैं उन्हें रिलैक्स रखिए ताकि आपकी जो फिज़िकल एक्टिविटी है उसमें आप अपने आप को क्या कर सकें, इन्वॉल्व करें। मसल्स रिलैक्स करने का मतलब है कि आप अपने आप को पूरे का आप विश्राम करके अपने मसल्स को रिलैक्स कर सकते हैं। चौथा टिप जो है वो है कि आप एक हेल्दी डाइट का सेवन कीजिए। हेल्दी डाइट सेवन करने का मतलब है कि जो घर का बना हुआ हष्ट पुष्ट भोजन है उसे ही ग्रहण करें। जो फास्ट फूड है ड्यूरिंग द एग्ज़ाम्स उनको अवॉइड किया जाना चाहिए। हल्का फुल्का भोजन करें ताकि आपको ना तो उससे नींद आए और ना ही आपको कोई और पाचन शक्ति जो क्रिया है उसकी कोई प्रॉब्लम आए। तो हल्का फुल्का भोजन कीजिए और जितना ज़्यादा तरल पदार्थ है उनको ग्रहण करने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए ताकि आपकी जो पसीना निकल रहा है गर्मियों की वजह से या कोई और प्रॉब्लम हो रही है वो आपकी बॉडी पानी पीने से डिटॉक्स हो जाएगी। लास्ट स्टेप जो हम कर सकते हैं अपने स्ट्रेस लेवल को दूर करने के लिए वो ये है कि आप अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ संपर्क में रहें, उनसे बातचीत करते रहें। अपने आप को एक कमरे में बंद करके हमने नहीं पढ़ना है, हमने अपने जो विचार हैं अपनी जो बातचीत है वो अपने फ्रेंड्स और अपने परिवार के साथ शेयर करनी है ताकि हम क्या फील कर सकें, रिलैक्स फील कर सकें। तो बच्चों, आप इन टिप्स को फॉलो करके अपना जो है स्ट्रेस लेवल कम कर सकते हैं। मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं आने वाले एग्ज़ाम के लिए और इन टिप्स को फॉलो करके आप अपना स्ट्रेस लेवल जो है प्लीज़ कम करने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप अपने फाइनल एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो फाइनल एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है टाइम मैनेजमेंट। टाइम को किस तरीके से मैनेज किया जाए ताकि पढ़ाई के साथ साथ बाकी इम्पॉर्टेंट काम भी हम कर पाएँ, और सबसे पहले बाकी के इम्पॉर्टेंट काम हैं कौन से ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, थोड़ा सा इसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप पढ़ना शुरू करते हैं तो लगातार पढ़ना, लाइक आप 6-7 आवर्स पढ़ने की बजाय व्हाट यू शुड डू, यू शुड टेक अ स्मॉल ब्रेक्स बिटवीन आवर्स। लाइक आपने 3 घंटे पढ़ा, उसके बाद एक ब्रेक ले लीजिए और उस ब्रेक में व्हाट यू नीड टू डू, उस ब्रेक को आप यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर प्लेइंग सम काइंड ऑफ गेम्स मोबाइल पे नहीं, गेम्स कोई भी इंडोर गेम आप खेल सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, सॉन्ग सुन सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको रिलैक्स करती है आप वो कर सकते हैं। इसके साथ साथ उस जो ब्रेक में अवॉइड सोशल मीडिया, ये नहीं कि हम आपको ये कह रहे हैं बिल्कुल मत यूज़ करिए, लेकिन विद अ लिमिटेड टाइम पीरियड।
और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर हमने ब्रेक ली सो वी शुड फिक्स अ टाइमर, लाइक अगर हमने आधे घंटे की ब्रेक ली है तो आधा घंटा आधे घंटे में ही खत्म हो जाना चाहिए. मीन्स यू शुड हैव अ टाइमर ऑफ 30 मिनट्स एंड आफ्टर दैट 30 मिनट्स यू विल फील रिफ्रेश एंड यू शुड स्टार्ट योर स्टडीज इमीडिएटली. एंड उसमें भी अब पढ़ना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि यू ट्राई टू असेस योर टाइम. Which time is more suitable for you to study the hardest topics? Like कई बच्चे होते हैं कि जो सुबह अर्ली मॉर्निंग अच्छे से पढ़ पाते हैं और कुछ होते हैं जो लेट नाइट पढ़ पाते हैं. तो यू नीड टू चेक what time is suitable for you. अगर आपको लगता है कि आप अर्ली मॉर्निंग अच्छे से उठ के पढ़ सकते हैं तो जो भी आपके सब्जेक्ट के हार्डेस्ट टॉपिक्स हैं उसको उस टाइम के लिए फिक्स कीजिए, और जो दिन का टाइम है, जो बाकी टाइम है विच इज़ द नॉर्मल वन, उसमें आप नॉर्मल वाले टॉपिक्स जो हैं वो लीजिए, उनको उस टाइम पीरियड में कवर कीजिए. और पढ़ने के साथ साथ आपके लिए 6 to 8 hours की साउंड स्लीप भी ज़रूरी है. कई बच्चे क्या करते हैं कि रात को 10 बजे पढ़ना शुरू किया एंड दे आर स्टडिंग टिल मॉर्निंग, राइट? यू कैन डू दिस, बट जैसे कि मैंने कहा विद ब्रेक्स, और उसके साथ ही आपकी जो 6 to 8 hours की स्लीप है दैट इज़ ऑल्सो वेरी 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 मस्ट. इसके साथ ही बेटे जब हम ब्रेक लेते हैं तो ब्रेक में ज़रूरी नहीं है कि हमने अकेले ही टाइम स्पेंड करना है. वी कैन स्पेंड दैट टाइम विद आर फैमिली, वी कैन टॉक विद देम. क्योंकि अगर जब हम फैमिली से बात करेंगे इट विल रिड्यूस योर स्ट्रेस ऑल्सो. फैमिली से बात कर सकते हैं, फ्रेंड से बात कर सकते हैं, इट विल रिड्यूस द स्ट्रेस. और फैमिली के साथ बात करने के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट के अंदर आपका खाने के लिए टाइम रखना भी बहुत ज़रूरी है. ये नहीं कि एग्ज़ाम चल रहे हैं तो भाग भाग के खाना खा रहे हैं, 5 मिनट में निपटा रहे हैं. वी नीड टू बी क्विक, लेकिन इस टाइम में आपके लिए हेल्दी डाइट होना बहुत ज़रूरी है. ईट हेल्दी, नॉट द स्नैक्स, क्योंकि स्नैक्स जब आप खाते हैं जैसे ऑयली फूड है तो इट मे डिस्टर्ब योर स्टमक और इट कैन मेक यू लेजी. तो इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए. जो चीज़ें आपके लिए हेल्दी हैं वो कीजिए. अगर आप अपने इस टाइम शेड्यूल में मेडिटेशन के लिए या योगा के लिए 10-15-20 मिनट सुबह निकाल पाएँ तो इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ ब्लेसिंग फॉर यू. क्योंकि जो मेडिटेशन है, जो योगा है, वो भी स्ट्रेस रिलीव करने में आपको हेल्प करता है. ठीक है, तो बेटे आपको जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, अगर आप उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के अपनी पढ़ाई का टाइम मैनेज करते हैं, उसमें भी आप सबसे पहले ये देख लीजिए कि हाउ मच टाइम यू हैव टिल योर एग्ज़ाम्स. उसमें कितने टॉपिक्स आपके करने वाले हैं, कौन सा टॉपिक जो है वो किस दिन किया जाएगा. और जैसे कि मैंने कहा कि हार्डेस्ट टॉपिक्स के लिए आप अर्ली मॉर्निंग या जो है वो लेट नाइट, जो भी टाइम आपके लिए कन्वीनियंट है उसमें उस चीज़ को प्लान कीजिए. और साथ में ये भी प्लान कीजिए कि कौन सा टॉपिक कितने टाइम में आप फिनिश करेंगे, राइट? उसके बाद आप एक चेकलिस्ट रखिए. आप दिन के लिए जो भी आपने टाइम शेड्यूल अपना बनाया है, जब जैसे ही आपके 24 आवर्स ख़त्म होते हैं उस चेकलिस्ट से अपने दिन के कामों को टैली कीजिए. मींस वंस अगर आप अच्छे से अपना टाइम मैनेज कर पाते हैं देन दैट मींस, कहते हैं कि वेल प्लान्ड हाफ डन. दैट मींस टाइम मैनेजमेंट, अगर आपने आधा काम आपका टाइम मैनेजमेंट से ही हो जाएगा और अच्छे से अगर आप कर पाते हैं टाइम मैनेजमेंट तो आप एग्ज़ाम भी अच्छे से दे पाते हैं. आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स. विद दिस टाइम मैनेजमेंट टेक्निक यू कैन डू वेल. थैंक यू सो मच. हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज ललित खुल्लर, नोडल ऑफिसर एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम. बेटा जैसे आप सबको पता ही है कि आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो इस बार आपके एग्ज़ाम जो हो रहे हैं वो 2.5 साल के बाद ऑफलाइन एग्ज़ाम हो रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोगों में काफ़ी टेंशन है और स्ट्रेस भी है बच्चों को कि 2.5 साल बाद फिर से हमें वो उसी पैटर्न के हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी जो लगभग बच्चे भूल गए हैं अभी. क्योंकि ऑनलाइन में तो बच्चों ने घर से लिख के लाना, ला के जमा करवा देनी शीट, तो वैसे ही चला था उनका. लेकिन इस बार आपको वैसे ही 2.5 साल पहले जैसे पेपर देने पड़ेंगे, 3 घंटे कॉलेज में बैठ के ऑन द स्पॉट पेपर देना पड़ेगा आपको. तो इस वजह से बच्चों में काफ़ी स्ट्रेस है.
तो पहली बात तो कि आप लोगों को स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना, एग्ज़ाम्स को पॉजिटिव लीजिए। ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते, आप बड़े आराम से कर लोगे इसको, पहले भी आप लोगों ने किया होगा, इस बार भी कर ही लोगे। तो बेटा स्ट्रेस की मेन वजह होती है जब आपकी प्लानिंग ना हो। अगर आपकी प्लानिंग अच्छी है, आपका पढ़ने का स्केड्यूल अच्छा बना हुआ है, टाइम टेबल अच्छा है आपका, फिर आपको स्ट्रेस भी नहीं होगा। तो स्ट्रेस को दूर करने के लिए आपको अपना टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, टाइम स्केड्यूल बनाना पड़ेगा। तो अगर मैं ब्रीफ में कहूँ तो आपकी टाइम मैनेजमेंट वही स्ट्रेस को दूर कर देगी। तो उसके लिए बेटा आपको ये देखना है कि आपके अब दिन कितने बच गए हैं एग्ज़ाम्स के, एग्ज़ाम में। तो अगर आपके फॉर एग्ज़ाम्पल 20 दिन बच रहे हैं और आपके 5 पेपर हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ऑन एन एवरेज 4 दिन आपके पर पेपर आ गए। तो आप अपने टाइम को ऐसे मैनेज कीजिए कि आपके जो 4 दिन हैं, आपने एक पेपर की तैयारी आपने 4 दिन में करनी है, तो ऐसे ही आपने हर सब्जेक्ट की तैयारी आपने 4-4 दिन में कर लेनी है। जो आपका पेपर सबसे पहले होगा उसकी तैयारी आप बिल्कुल उसके पहले ही लास्ट वाले 4 दिन में करोगे, और बाकी के जो 4 पेपर अगर आपके हैं तो उनको पहले कर लोगे। अगर आपके ऐसे ही आपके अगर 6 पेपर हैं, तो अगर आपके 18 दिन बनते हैं, 20 दिन बनते हैं, तो आप 3.5 दिन आपके एवरेज बचेंगे आपके। अगर 20 दिन बनते हैं तो 3.5 दिन में आपने वो तैयारी करनी है एक सब्जेक्ट की। तो ऐसे आप अपने टाइम को पहले तो डिवाइड कर लीजिए। फिर उसके बाद जिस पेपर की तैयारी, जिस सब्जेक्ट की तैयारी आप कर रहे हो, उसके जो चैप्टर्स हैं उनको उन 3-3.5 दिन में या 4 दिन में जो आपके दिन बचे एवरेज आएंगे उनको आप बांट लो। अगर किसी सब्जेक्ट के आपके 16 दिन बनते हैं तो 16 चैप्टर बनते हैं, तो उसको आप 4 चैप्टर डेली के हिसाब से बांट लो। तो आपने डेली 4 चैप्टर तैयार करने ही करने हैं। इस तरह से अगर आप टाइम मैनेजमेंट करोगे तो आपका सारा सिलेबस आराम से कवर हो जाएगा। फिर अगर आपने 4 दिन बांटे हैं, 4-4 दिन बांटे हैं, तो जिस सब्जेक्ट में आपको लगता है कि तैयारी की जरूरत ज़्यादा है, थोड़ा टफ सब्जेक्ट है, उसको एक दिन ज़्यादा दे दो। अगर कोई सब्जेक्ट थोड़ा सा ईजी है तो उसको थोड़ा टाइम कम दे दो। MST की वजह से आपकी तैयारी भी हो चुकी होगी काफ़ी, तो जिसमें लगता है कि इसकी तैयारी हो चुकी है उसको टाइम आप कम भी कर सकते हो, जिसमें आपको लगता है कि तैयारी की जरूरत अभी और है तो उसको टाइम ज़्यादा भी दे सकते हो। तो अगर आपने ऐसे टाइम बांट लिया, दिन में और दिनों में बांट लिया, और उसके बाद उसको आपने चैप्टर्स भी बांट लिए कि इस दिन में इतने दिन में मैंने इतने चैप्टर करने ही करने हैं, तो बड़े आराम से आपकी तैयारी हो जाएगी। तो बेटा अनप्लैंड वे से चलने से, तैयारी करने से अच्छा है कि आप प्लैंड वे में तैयारी करो। आप दिनों को बांटो, सब्जेक्ट्स में सब्जेक्ट के हिसाब से बांटो, फिर सब्जेक्ट के एक सब्जेक्ट के कितने दिन बनते हैं, उसके चैप्टर कितने बनते हैं, उसको कितने दिन में कितने चैप्टर करने, ऐसे आप बांटो, ठीक है। तो अगर आप ऐसे करोगे तो डेफिनेटली आप स्ट्रेस फ्री होकर अपनी तैयारी कर सकोगे, ठीक है। तो मेरी वेल विशेस आपके साथ हैं। तो आई होप कि आप इस तरीके से प्लान वे में अपनी तैयारी करोगे और अच्छे मार्क्स लेके आओगे। थैंक यू सो मच।